धरती पर एक दिन बादल भी गरज उठे, मां अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम, ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोले, बस चुपके से घूट लिया दम। और एक दिन माटी रूठी आज हमसे, उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म, ना मिलेगा दूध स्तन से। बढ़ते कदम कर दे तू अब मरहम। चेतना आहत हुई है, विकारों ने उसे घायल किया है, मरहम की आवश्यकता है। ड्रेसिंग की आवश्यकता है, घाव बहुत गहरे और जब तक उन घावों का इलाज ना हो तब तक दुख नहीं मिटेगा। अंतर मन में घाव है, डीप अंतर मन की गुफाओं में घाव है, इतने गहरे कि दिखाई नहीं देते। उन घावों को हम देख सके उसके बाद ही इलाज चालू होगा। एक हॉस्पिटल में एक समस्या थी और वो समस्या ऐसी थी
कि वहाँ की जो लिफ्ट थी वो पेशेंट्स और उसके रिश्तेदार गंदा कर देते थे, थूक थूक कर, गुटखा तंबाकू ये खाते थे, चुपके से खाते थे, और लिफ्ट से जब ऊपर नीचे जाते थे तो वहाँ थूक देते थे। पकड़ना बड़ा मुश्किल था कि वो ऐसा करते हैं। बोर्ड लगे हुए थे यहाँ थूको मत, परंतु फिर भी लोग लिफ्ट को गंदा कर देते थे। हॉस्पिटल कमेटी की मीटिंग हुई, सोचा गया क्या किया जाए, कैसे रोका जाए लोगों को। लोग रुकते नहीं हैं, लिफ्ट के जो चार कोने हैं वहां पर थूक देते हैं। मीटिंग में एक अद्भुत सॉल्यूशन सबने ढूंढ के निकाला, और वो जब किया तो लोगों ने थूकना बंद कर दिया। वो क्या होगा, लिफ्ट में क्या किया? देवताओं के चित्र सब थोड़ी मानते हैं देवताओं को। क्या किया होगा, लिफ्ट है, चारों कोनों में लोग थूकते रहते हैं, कई बार दीवारों पर भी थूक देते हैं। सीसीटीवी से तो, सीसीटीवी पहले से है, एक अद्भुत सॉल्यूशन सामने किया कि लिफ्ट की चारों तरफ आईना लगा दिया, इधर भी आईना, इधर भी आईना, इधर भी आईना, इधर भी आईना, मिरर। तो जब व्यक्ति थूकता है तो उसको अपना चेहरा दिखता ही है, वो इतना रुचिकर नहीं है, वो इतना प्रीतिकर चेहरा नहीं है जो थूक रहा है। फिर धीरे धीरे लोगों ने थूकना बंद कर दिया। जब हमें अपना चेहरा दिखेगा और वैसा दिखेगा जैसा वो है, तब जो विकर्म हो रहे शायद, perhaps, not sure, आत्मा रुक जाएगी। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है और उसका वीडियो लिया जाए या फोटो लिया जाए और बाद में उसे दिखाया जाए कि ये तुम हो, ये आवाज तुम्हारी है, ये चेहरा तुम्हारा है, तो वो क्या कहेगा, ये मैं नहीं हूं, स्वीकार ही नहीं करेगा शायद। परंतु स्वयं को वैसे स्वीकार करना जैसे हम है, अपनी सारी कमियों के साथ, अपने सारे विकारों के साथ, अपने सारे दोषों के साथ, सारे इम्परफेक्शन, वीकनेस, फ्लॉस, डिफेक्ट्स के साथ। साधना का आज का 8वां दिन। हर कर्म करने से पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म, हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो बताओ कभी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो, त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर हर कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ, कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती। तो सदैव यह चेक करो कि आए है कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते।
ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हैं तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती, महसूस करते या नहीं होना चाहिए यह होना चाहिए। यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्व सक्सेसफुल हो जाए व दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। 25 मई 1972 अव्यक्तवाणी। तो आज का पॉइंट है त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना, वशीभूत होकर नहीं, बंधन युक्त होकर नहीं, मुक्त मुक्त। हिंदी में शब्द है मुनि, मुनि अर्थात म और न, मुहूर्त जिसका निश्चित है, मुहूर्त अर्थात जिसकी दिनचर्या निश्चित है उसी की म न मुक्ति निश्चित है। जिसका मुहूर्त निश्चित उसकी मुक्ति निश्चित वो है मुनि, मुनि अर्थात योगी, मुनि अर्थात साधु तपस्वी योगी। अपनी दिनचर्या को निश्चित अर्थात फिक्स्ड दिनचर्या, रूटीन फिक्स्ड, जिसका भोजन भी निश्चित हो उसकी दिनचर्या भी निश्चित हो वो मुनि, मुहूर्त निश्चित मुक्ति निश्चित। इसलिए दिनचर्या पर काम करना है, अपने कर्मों पर काम करना है, स्वयं को देखने पर काम करना है, आईने लगा के रखना है चारों तरफ। वैसे आईने ऑलरेडी है, कौन से आत्मा है ये ब्राह्मण परिवार ही आईना है और यहाँ का एक एक ब्राह्मण आईना है जो दिखाते भी रहता है। तो आज का टूल, हम एक एक दिन एक एक टूल ले रहे हैं। पहले दिन लिया था स्वाध्याय, फिर लिया प्रकृति पर में चलना, फिर विश्वास, फिर निस्वार्थ कर्म और वैराग्य, तप, और आज का है राजयोग। राजयोग एक टूल है इस यात्रा में, बहुत पावरफुल साधन। आज की मुरली में बापा ने कहा है यह है मोस्ट वैल्यूएबल भट्टी। राजयोग क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल भट्टी। और राजयोग ऊर्जा का साधन है, ऊर्जा का स्रोत है। मेरे अतिरिक्त और किसी की स्मृति नहीं, किसी को स्मृति में नहीं लाओ। अंधकाल जो स्मृति सिमरे, सुबह की मुरली है। एक से कनेक्शन अगर रहेगा तो अपने आप आत्मा में ऊर्जा भरी रहेगी और ये यात्रा बहुत सहज होगी। इसलिए इस यात्रा में जितना हो सके मेडिटेशन का चार्ट बढ़ाते रहना है, जितना हो सके अंदर ही अंदर जैसे भक्त होते हैं आज की मुरली में जप करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, अजबा जाप करते हैं, जपा जाप करते हैं, वैसे तुम्हें नहीं करना है, परंतु उसकी याद निरंतर रहे। जैसे भक्त का दिखाते हैं, वो चलता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, क्या चलते रहता है? कृष्ण 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 कृष्ण। सोता है तो भी बस कृष्ण की स्मृति है। कई बार नींद में भी चलता है तो भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दिन रात कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके रग रग में कृष्ण समाया हुआ है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जीवन में मुसीबतें संकटें आती है फिर भी सोचता है गोविंद है, कृष्ण है, वो मेरा सब कुछ करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ने उसकी शरण ली है, वो मेरी रक्षा करेगा, जो असंभव कार्य है वो संभव करेगा।
एक भक्त का विश्वास, एक भक्त का निश्चय कितना बड़ा होता है, और लोग उसके खिलाफ होते हैं, कितनी बाधाएं डालते हैं, परंतु उसे पता है कि वो मेरी रक्षा करेगा। एक भक्त का निश्चय बहुत बड़ा होता है। उसी तरह योग अर्थात निश्चय, योग अर्थात विश्वास, योग अर्थात मिलन, योग अर्थात जुड़ाव, योग अर्थात लगन में मगन, योग अर्थात खो जाना, योग अर्थात कनेक्शन, योग अर्थात कंबाइन, योग अर्थात जुड़ जाना, योग अर्थात समा जाना, योग अर्थात उसके साथ का अनुभव, योग अर्थात उसकी छत्र छाया का अनुभव, योग अर्थात वो और मैं जुदा नहीं, हम दोनों एक, माय फादर एंड आई आर वन, जहां मैं वहां वो, मेरे इर्द गिर्द वही है, वही सब कुछ है, वो सागर है, मैं मछली, अंदर भी वही बाहर भी वही, दिन रात उसका स्मरण, चल रहे उसकी याद, सो रहे उसकी याद, घूम रहे उसकी याद, बैठे हैं उसकी याद, सुन रहे उसकी याद, सुना रहे हैं उसकी याद, सो रहे उसकी याद, बीच में आंख खुली उसकी याद, आंख सुबह सुबह खुली फिर उसकी याद, सताने वाली याद, खींचने वाली याद, विरह वाली याद, वेदना जागे भीतर, वेदना, पीड़ा, कहां हो? चैतन्य महाप्रभु को कैसे दिखाए, विरह में जल रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कहां हो कहां हो, इधर हो, इधर भागता है उधर भागता है, जहां देखो उसे कृष्ण ही कृष्ण नजर आते, यहां देखा कृष्ण वहां पहुंचा नहीं है, फिर दूसरी तरफ देखा वहां कृष्ण, वहां भाग के गया वहां नहीं है, कृष्ण 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 कृष्ण, और फिर गिर जाता है बेहोश, और फिर जब उठता है फिर कृष्ण, ऐसी याद, दिन रात वाली याद, सतत याद, अहर्निश याद, बाबा बाबा बाबा, निरंतर निकलता रहे, दिन रात, कभी उपकार याद करो, कभी प्राप्तियों को याद करो, कभी मिलन की विरह और पीड़ा को याद करो, बांधेली बन जाओ, क्या बन जाओ, बांधेली, कोई रोक नहीं रहा है, पर सोचो ये लोग रोकते हैं मुझे याद करने से, मैं याद करके रहूंगा। एक फिल्म हमने बचपन में देखी थी मराठी, जिसमें कपल है, युगल बूढ़े हो गए हैं, बच्चों की शादी हो गई, कोई नहीं रहता अभी, बस दो है, वो सोचते हमने सब कुछ किया, पर जो युवा अवस्था में लोग प्यार करते वो नहीं किया, रोमांस, तो वो लोग कहते हम चालू करते, छुप छुप के मिलते एक दूसरे से, और देखते कोई देख तो नहीं रहा है, इधर मिलते हैं उधर मिलते हैं, डर डर के चलते हैं, मिलना है, प्रेम की अग्नि जल जाए, प्रेम की अग्नि, आग, ऐसी याद, सतत निरंतर अखंड, जब ऐसी याद होगी भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा कहती है कुछ याद ही नहीं उसे, कुछ होश ही नहीं है, खो चुके हैं, क्या तुलसीदास को याद है, खाना है पीना है, आज की मुरली, तुलसीदास चंदन तिलक दे रघुबीर, वो बस इंतजार में है, हनुमान जी ने कह रखा है कि रघुनाथ आएंगे, कब आएंगे टाइम नहीं बताया, किस रूप में आएंगे ये भी नहीं बताया, चित्रकूट की घाट पर के घाट पर भई संतन की भीड़, और रघुनाथ आ भी गए तभी भी उसे पता नहीं चला, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, वहां से हनुमान जी झाड़ पर बैठकर इशारा करते यही है, वो तो दो बालक के रूप में आए हैं, साधारण रूप में आए हैं, वो कहते हैं ये है भाव विभोर अवस्था, तो भक्तों की कैसी अवस्था थी, भाव विभोर वाली,
वैसे ही राजयोग, राजयोग का नशा होना चाहिए तुमको। सुबह की साकार मुरली, एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाकर बैठो। इसमें फर्क होना चाहिए, सभा में बैठो और राजयोग में बैठो। इसमें याद में बैठो, होश नशे में बैठो, खो जाओ, बेभान भूल जाए। तो राजयोग टूल है, एक साधन है। इस प्राणी की यात्रा में राजयोग, ये प्राणी की यात्रा सभी के लिए, सभी मनुष्य मात्र के लिए, चाहे भगवान को जानते हैं या नहीं जानते, जो भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सब के लिए द्वार खुले हुए हैं। कोई कहां से भी चालू करो, वो मंदिर तक पहुंच सकता है। और इस यात्रा में यदि हम राजयोग को, राजयोग तो है ही, रादर ये प्राणिक लिविंग टूल है राजयोग के लिए, पर क्योंकि चर्चा राजयोग के टूल, प्राणिक लिविंग के टूल्स की चल रही है, तो राजयोग एक साधन है। अगर राजयोग आ जाए तो ये यात्रा बहुत सहज हो जाएगी। तो सात दिन लिक्विड फूड पर, लिक्विड डाइट पर बहुत बड़ी प्राप्ति है। और जो जो वजन बढ़ रहा है वो उससे भी बड़ी प्राप्ति है। एक तो है स्टेबल रहना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। और अगर किसी का बढ़ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा प्राप्ति है, खुशी का ठिकाना नहीं। जो कम हो रहा है वो बढ़ जाएगा, उससे क्या की प्राप्ति। ओम शांति। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल वैलेंटाइन्स ऑफ शिवा, स्पेशल थैंक्स टू द ग्रेट पॉइंटर ऑफ दिस प्राणिक क्रांति विच मेक्स अस ऑल लाइट एनर्जेटिक एंड ब्लिसफुल। तीव्र पुरुषार्थ की बारिश है, उस्ताद के हाथ में हाथ है, सहज निरंतर खुशी और आनंद है। ओह आश्चर्य, असंभव संभव हो रहा है। एक उफान वर पार कर रहे हैं हर डिटॉक्स का समुंदर, रोक पाएगा कौन हमें, विजयी भव का वरदान है। माई एनर्जी इज राइजिंग, माई बॉडी फील सो क्लियर, रिकॉग्नाइज माई क्रेविंग, आई वेट फॉर देम टू पास। प्राणा इन द मॉर्निंग, प्राणा इन द डे, प्राणा रनिंग थ्रू मी इन एवरी सिंगल वे, I am unstoppable today. सारा ही मिला दिया ऊपर। अभी ऑडियो से शुरू करते हैं। फर्स्ट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्ञान और योग में बहुत आगे ले जा रहे हैं। और मेरी ये भट्टी बहुत सुंदर चल रही है। मैं नासिक महाराष्ट्र से 20 साल से ज्ञान में हूँ। मेरी हाइट 5.3, वेट मेरा ज़्यादा है 88.500, लेकिन अभी 1.5 किलो कम हुआ है। और बहुत सुंदर चल रहा है, मुझे अनुभव भी बहुत सुंदर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं है, कल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, इतना अनोखा तरीका जिससे हम इतनी प्राप्ति कर सकते हैं, ये प्राणिक लिविंग में बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। बाबा से और करीब हो रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है। भोजन जो है अब लगता है कभी ले ही नहीं पाएंगे, लिक्विड डाइट ही जीवन का लाइफस्टाइल हो गया ऐसा महसूस हो रहा है। और इतना हल्कापन है, इतनी खुशी, बेशुमार खुशी है। डिटॉक्स कुछ भी अभी अनुभव नहीं हो पाया है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। लगता है लाइट हाउस है, फरिश्तापन की स्थिति का अनुभव हो रहा है। और निमित्त बाबा ने मुझे बनाया गीता पाठशाला का, तो जो बहनें आती है वो भी कहती है कि आप तो पहले से ज़्यादा और कुछ मिजाज हो गई है, मुरली की गहरे पॉइंट को भी इतने अच्छे से समझाते हैं और योग की कमेंट्री भी बहुत अच्छे से हो रही है। ये सब बाबा ने आपको निमित्त बनाया,
हम बचे हुए आत्माएं जिनके अंदर इतनी शक्ति है वो कैसे जागृत करें, वो फूड से ही हो सकता है, ये हमें अभी पता चला। थैंक यू सो मच बाबा का और आपका। ओम शांति। डॉक्टर सचिन भाई, मेरा नाम रानी, मैं 25 ईयर्स से ज्ञान में चल रही हूँ। मुझको बहुत बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझको डिटॉक्सेशन कुछ भी नहीं है, कैलोरीज वजन वो देखना था, फिर अब मैं नहीं देख रही हूँ। थर्ड डे या फिफ्थ डे दो बार ही देखी, जब तक 2 केजेस कम हुआ बस उतना ही है। मेरा हाइट 5.1, वेट 67 जब थे, अब कितना नहीं मालूम, देखना पड़ता। अब मुझको तो बहुत बहुत अच्छा लग रहे हैं, कितना सुकून मिल रहे हैं बिना खा के काले लिक्विड लेना। थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करना पड़ रहे हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, मॉर्निंग 7:30, 7:45 से निकलती हूँ, आते वक्त 6:30 होता है इवनिंग। फिर बीच में क्या कुछ लेना है ना, उसके लिए थोड़ा प्लानिंग कर रही हूँ। वो मिक्सी जूस लेके जाना तो अच्छा नहीं है ना, वो ख़राब होता है ना, कुछ तो प्लानिंग कर रही हूँ। थोड़ा कैलोरीज कम हो रही हैं, फिर भी मेरे में कुछ कुछ भी नहीं हो रहे हैं, बस थोड़ा हल्का स्थिति तो महसूस हो रही हूँ। बहुत 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 धन्यवाद भाई जी। मैं जब से कितने सालों से देख रही हूँ ऐसा होना मेरे शरीर, मैं आपकी भट्टी से, आपकी प्राणिक यात्रा से मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ज़्यादा ज़्यादा बहुत महसूस कर रही हूँ बाबा को, थैंक्स टू, एंड आपको भी थैंक यू, धन्यवाद। ओम शांति भैया। ओम शांति। हमारा नाम रूपाली है, हम ओडिशा से हैं। एज 31, वेट 42, कैलोरीज इज ओके, डिटॉक्स सिम्टम्स कुछ खास नहीं, वीकनेस था 2-3 दिन और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, अभी ठीक हो गया है और हम बहुत ही अच्छे से ये भट्टी को कर रहे हैं। और भाई जी जो भी ज्ञान की बातें इस भट्टी में हमसे शेयर करते हैं उसको भी हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और ये हमारे जब से हम ज्ञान में चल रहे हैं तब से लेकर आज तक का बहुत ही खास भट्टी रहेगा। और हम इस भट्टी को सिर्फ 21 डेज की नहीं लेकिन हम हमारा लाइफस्टाइल बनाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। मैं बीबी सोनाली बहन, मैं शुरू से ही भट्टी कर रही हूँ और हमारी जिस दिन भट्टी शुरू हुई थी उस दिन से मैंने दूध, दूध की बनी हुई चीज़, रिफाइंड चीनी और मैदा ये सब छोड़ा था और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं एक ही टाइम भोजन लेती थी, सुबह जूस लेती थी, दोपहर भोजन लेती थी, रात को मैं स्मूदी या फिर सूप आदि लेती थी। इससे मुझे काफ़ी दिन बहुत अच्छी स्थिति रही मेरी। और 8 तारीख से जो हमारी भट्टी चली 21 दिन तक, तो ये मैंने दृढ़ संकल्प से किया कि मुझे 8 से लेकर 21 दिन तक बहुत अच्छी तरह से भट्टी करनी है। तो 7 दिन बीते, तो 7 दिन हो गए तो बहुत अच्छा लगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बॉडी में कोई वीकनेस आदि नहीं आई है, बहुत अच्छी भट्टी रही। उमंग, उत्साह, खुशी, योग की स्थिति बढ़ गई और योग में बहुत ही अच्छे अलग अलग अनुभूति हो रही है। जैसे हम पहले एक आधे घंटे बैठते थे तो पैरों में थोड़ी थकान, दर्द होता था, हलचल होती थी, मगर अभी 2-2 घंटे हम सुबह अमृत वेला 3 घंटे हो जाते हैं। और हम पहले मुरली सुनाने से पहले भी योग करते हैं 1 घंटा, और दोपहर में भी योग आराम से हम बैठते हैं तो हमें कोई भी बॉडी में थकावट या दर्द आदि महसूस नहीं होते। जैसे जिस पोजीशन में हम बैठते हैं उसी पोजीशन से उठते हैं तो एकाग्रता बढ़ती जा रही है, बॉडी में भी एक लचीलापन आता जा रहा है और बहुत अच्छा उमंग, उत्साह लग रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, थैंक यू। ओम शांति। मैं ओडिशा रायगढ़ से, ये भर्ती हम शुरू से कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। हमें ये भर्ती बहुत बहुत अच्छा लगता है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कोई ज़िंदगी है, और हमें बहुत उमंग उत्साह लग रहा है और बहुत लाइट फील हो रही है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, हमें इतना खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके मंजू है, हम लखनऊ से हैं। वेट 91 है, एज 50 है, 10 साल से ज्ञान में हूँ। हम सचिन भाई की भर्ती कर रहे हैं 21 दिन की। पहले 3 दिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, 4 दिन सर में थोड़ा थोड़ा दर्द था, पेट में भी डांस चालू था, पर हम साक्षी हो अपनी ही मौज में रहे। कैलोरी रोज 1000 से 1200 हो जाती है, पुराना संस्कार भी निकल रहे हैं। और एक चीज भी, पहले नींद नहीं आती थी, अब नींद आने लगी है, पर योग में हम अपना पूरा टाइम देते हैं, फ्रेश उठते हैं अमृत वेला, कोई शरीर में थकावट नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद सचिन भाई जी और पूरी टीम को। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ये यात्रा बहुत अच्छी है, असंभव से संभव हो गया। मैं दिन भर घर से बाहर रहती हूँ और सारे लिक्विड साथ में लेके चलती हूँ बॉटलों में भर के। सुबह से शाम तक घर पहुँचती हूँ तो एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है, थकावट बिल्कुल नहीं होती। मेरे कंधे में दर्द था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। सीने में भी दर्द था, लिक्विड डाइट से पूरी तरह से ठीक हो गया है, बहुत हल्कापन है। ओम शांति। थैंक यू, आपने प्रकृति के साथ जोड़ दिया। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं इतना साल ही जीवन के लिए इंतजार किया था, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद मैं दे रही हूँ। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं संबलपुर ओडिशा से हूँ, मेरा उम्र है 52 और वेट है अभी आज 62 हुआ। जब प्राणी की यात्रा शुरुआत में मैं वेट देखी थी तो 68 था, फिर बीच में 65 हुआ, आज सुबह देखे तो 62 हुआ भाई जी। और मैं सुबह जूस लेती हूँ, क्लास के पहले, क्लास जाने से पहले नींबू पानी शहद का साथ लेती हूँ, फिर दोपहर में दाल सब्जी सब उबाल के फिर ब्लेंड करके उसको छान के लेती हूँ, फिर रात में एक बार और एक बार सूप लेती हूँ भाई जी। अच्छा था, 9 दिन का मेरा करने के लिए मैं सोची थी और एनर्जी तो ठीक फील हो रहा है आज सुबह, लेकिन थोड़े इमोशनल डिटॉक्स हुआ है पिछले, थोड़ा पेपर का खुशी याद आ गया, हाल ही में युगल का गुर्जर जाने का वो याद आ गया, थोड़ा इमोशनली थोड़ा ज़्यादा उदास हो गई थी, लेकिन बाकी योग में ध्यान में सब बहुत अच्छा लग रहा है भाई जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा को भी बहुत बहुत थैंक यू। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं सब कुछ भूल जाके एक बाबा दूजा ना कोई, यही आशा से यही उमंग से मैं ये यात्रा कर रही हूँ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है जिसने मैसेज भेजा है, ये तो किसी और के फ़ोन से मैसेज कर रही हूँ, क्लास भी ऐसे ही सुनती हूँ, मैंने कहीं कहीं से इंतज़ाम करके। प्लीज़ मेरा मैसेज सचिन भाई तक पहुंचा दीजिएगा। मैं 10 साल से सेंटर पर हूं, हाइट 5.8 है, वेट 99 kg, कैलोरीज 1000 के अराउंड। पहले 2 दिन के बाद वेट 2 किलो कम हुआ, फिर से बढ़ गया और बॉडी में अजीब सी थकान है। क्या
कई बार जब सोकर उठती हूँ तो अजीब सी घबराहट और डर और हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। अचानक ऐसे लगता है जैसे शरीर नहीं रहेगा। बहुत पहले की कुछ बातें किसी के व्यवहार याद आकर बहुत इरिटेशन हो रहा है, जैसे पता नहीं क्या कर दूँ। कभी कभी कामुक स्वप्न भी आते हैं। लंबा लिखा उसके लिए सॉरी, क्योंकि शायद दोबारा पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। ये नया, और मैं हिमाचल मंडी से बोल रही हूँ, सरका घाट से। और ये बोलनी थी, बाकी ये पहले दिन से जो प्राणी की यात्रा थी, वो पहले दिन से मेरी छोटी बहन ने भेजी मेरे को क्लास कि प्राणी की यात्रा दे दी। 108 दिन की शुरू हुई, तो बड़े मजे, बहुत मजे आने लगे। और मैं वैसे सुनती रही, जब 8 दिन हुए तो मेरे को फॉलो करने को दिल किया, तो फिर 8वें दिन से फिर मैंने एक डंग लेना शुरू कर दिया धीरे धीरे। मधुबन में भी एक ही डंग खाया और बहुत बता नहीं सकती, मतलब गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, जैसे आपने बोला स्क्रीन से दूर और ग्रीन में रहो, है ना। और बच्चों को भी बोलो भाई, तो बाबा ने बच्चों से तो बंधन से मुक्त कर दिया है, बच्चे अपने अपने घरों में हैं। और बेटा PhD कर रहा है, वो भी बोलता है मैं भी चलूंगा ज्ञान में ही, और बस पीऊ के साथ पीऊ ही करनी है अब, और खुश रहना है और सकाश देना है दुनिया को। और हमारा जीवन जो है बहुत ऊंचा बदल गया, और बाप समान भाई को फिर से ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरा नाम BK तन्वी है, उम्र है 53, हाइट है 5.2 इंच और वेट है 57। जब से ये लिक्विड भट्टी शुरू है मैंने ज्वाइन की है। इसके पहले मैं 1.5 साल से रॉ पर थी और विगन भी थी। अभी 8 तारीख से जब चालू हुआ तब से मैं आउट ऑफ स्टेशन होते हुए भी इसे कंटिन्यू किया है। घूमने के लिए गए थे और एक दिन मुझे बहुत ठंड होने के कारण वहाँ मैंने कॉफ़ी ली, आपने भट्टी में अलाउ किया इसलिए, और मिल्क में केला स्मैश करके उसका लिक्विड बना के वही दिन भर मैंने सेवन किया, क्योंकि मेरे पास कोई चांस नहीं था दूसरा कुछ करने के लिए। तो उसके बाद मुझे स्टूल का प्रॉब्लम आया, हार्ड लग रहा था, और अभी मैं अपने घर वापस आ गई हूँ तो थोड़ा सा अभी क्लियर हुआ है। लेकिन उस टाइम मुझे हाथों में चिट्टियाँ आ रही थी और बहुत नींद आ रही थी। तो बहुत दिनों के बाद मिल्क प्रोडक्ट्स लेने से ऐसा हुआ, या इस भट्टी के कारण डिटॉक्स सिम्टम्स दिख रहे हैं? और मैंने ये चेक किया, या मुझे लग रहा कि जब से ये भट्टी शुरू हुई तब से मेरा वेट 57 ही है, ना इधर हुआ ना उधर हुआ। और जब मैं रॉ डॉट पर थी तब भी मेरा 1 किलो इधर या उधर होता था, लेकिन अभी स्टेबल है। तो वो मैं करेक्ट पाथ पर हूँ या नहीं, और मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट बराबर है कि नहीं, और कैलोरीज भी बहुत अच्छी तरह से ले रही हूँ, सुबह ग्रीन जूस, दोपहर में स्मूदी और शाम को मिक्स वेजिटेबल सूप या रागी का सूप या मटर या मूंग का सूप, ऐसा मेरा डाइट शुरू है। उसके बाद क्रेविंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ, 9 साल से ज्ञान में हूँ, मेरी उम्र 42 है, मेरी हाइट 5.3 है, और मेरा पहले वज़न 56 था, अभी 51 हुआ है। ये प्राणी की यात्रा लिक्विड होने से पहले मेरे को 2 दिन पहले बुखार सर्दी खांसी हुई थी, तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दवा दी थी, तो मैंने वो पूरा किया। मुझे ये यात्रा अच्छी भी लग रही है लिक्विड की, मगर बीच में अभी कल से मेरे को गले में बहुत दर्द हो रहा है और पानी पीने में तकलीफ थी, तो डॉक्टर के पास गई थी मैं, तो उन्होंने 5 दिन का वापस मुझे दवा दिया। वेट लॉस हो रहा था तो आपने मेरे को बोला था कि इसमें कि
पीनट बटर और ये नट्स क्रीम वगैरह लो, तो ये मैं नट्स क्रीम वगैरह भिगो के मैंने लिया सूप में और स्मूदी में, तो वापस कफ ज़्यादा ही हो गया और गले में बहुत दर्द हो रहा है भाई जी। मैं सुबह में एबीसी जूस लेती हूँ, दोपहर में स्मूदी लेती हूँ इसके एप्पल और नट्स क्रीम की और थोड़ा ओट्स डाल के, और शाम को वेजिटेबल सूप लेती हूँ उसके साथ में मैं ये एंटीबायोटिक दवा भी ले रही हूँ। तो ऐसा कुछ भाई जी बताओ कि मुझे कब भी ठीक होवे और वेट भी लॉस ना होवे, ऐसा बताओ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कोई सवाल नहीं है, एक अच्छा फीलिंग है जो शेयर करना चाहता हूँ। ये प्राणिक लाइफ फॉलो करते बहुत आनंद आ रहा है। अभी लिक्विड डाइट पे पूरा टाइम, जिंदगी लगता है जिंदगी जैसे बदल सा गया है। एक उदाहरण के लिए, जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक जाता हूँ छत पर सन गेजिंग के लिए, तो मैं स्टेयर्स का यूज़ करता हूँ। तो हर फ्लोर में कुछ ना कुछ खुशबू आती है ना खाने का, जैसे किसी फ्लोर में सांभर का, किसी का, किसी में पोहा, किसी में पूरी सब्जी है ना इत्यादि। तो अब वो खुशबू मुझे आकर्षित नहीं करते और ना ही विचलित करते हैं। तो वाकई में ज़िंदगी बदल गया है, इसलिए शुक्रिया बाबा भाई जी और पूरे टीम को। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं इस प्राणी यात्रा को प्रॉपर कर रहा हूँ, बट इवनिंग में काफ़ी भूख लगती है तो खिचड़ी बना के, पतली पतली खिचड़ी बना के ले लेते हैं। तो भाई जी ये राइट है या प्लीज़ गाइड मी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं अभी आपकी भट्टी में मतलब कर रही हूँ मैं अभी रोज। मेरे को एक चीज़ पूछना था भाई जी कि ना ये अभी जो मैं भट्टी स्टार्ट की हूँ तब का नहीं, मगर ये कुछ मतलब दिनों से है, बहुत दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से है कि जब भी मैं रात को सोती हूँ तो मैं आवाज़ निकलता है मुँह से, कभी कभी रोना, कभी बात करना, कुछ अजीब अजीब चीज़ें। वो मुझे तो नहीं, मगर मेरे घर वाले जैसे दीदी, मम्मी पापा मतलब ना है हस्बैंड, उन लोग कभी कभी कोई चीज है एक जिनको समझ आया वो मुझे बताए मतलब कि ऐसा आवाज़ आता है। उन लोग डर भी रहे थे, चिंता भी किए बहुत कि किसी को दिखाए, डॉक्टर को दिखाए, क्या करके समझ नहीं आया। बट धीरे धीरे फिर वो एकदम नेचुरल हो गया, मेरे नेचर में ही हो गया। बट अभी भी मेरे साथ प्राणिक लिविंग कर रही हूँ उस पर, मतलब फॉलो कर रही हूँ मैं लिक्विड डाइट पे, तो उस पर भी होता है ये चीज़ें मतलब होती है मतलब। मगर मुझे ये जानना था कि ये क्यों होता है भाई जी। मैं रोज़ आपके क्वेश्चंस मतलब मैं करती हूँ, मगर लिया नहीं जाता। प्लीज़ इसे एक बार लीजिए और मुझे बताइए ना कि क्या है ये, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे अच्छा कोई भी नहीं बता सकता। प्लीज़ रिप्लाई। ओम शांति भाई जी। कुमारी है, एज 36, वेट 69, हाइट 5 फिट है। 7 डे मतलब फर्स्ट टाइम लिक्विड भट्टी कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गुड, नो डिटॉक्स सिम्टम्स अभी तक तो कुछ नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, मेंटल थोड़ा थोड़ा था, बाकी तो सब ठीक है। बट स्लीप बिल्कुल कम नहीं हुई है, जैसे आपने कहा था कम होनी चाहिए। हमने कोई चीटिंग भी नहीं करी है, जैसे आपने कहा था वैसे फॉलो कर रहे हैं, और लिक्विड डाइट थिन थिक सब भी कर रहे हैं। बट डोंट नो कहाँ गलती कर रहे हैं, नींद वाला नहीं हो रहा है, बाकी सब तो हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी एज 42 इयर्स, हाइट 5.2, वेट 58.8। जब से प्राणिक यात्रा शुरू किया है तो वेट थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट प्रॉब्लम ये कि मेरा गाल पिचक गए हैं, तो इससे सबको फ़र्क दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे एक्चुअली MS है, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो इसमें 2 टाइम मेरी टेकफेटेरा दवा चलती है, तो वो पूरे मील मतलब लंच और डिनर में मील के बाद ही लेना होता था वो दवा। लेकिन जब से ये यात्रा शुरू किया है तो बॉयल दलिया मिक्सी में ग्राइंड करके 2 टाइम लेते हैं, जिससे कि उसके बाद दवा ले सके। तो एक प्रश्न, ये ठीक है अभी अनाज लेना? hmm.
21 दिनों में 7 दिन फिजिकल डिटॉक्स के होते हैं यूजुअली, अगले 7 दिन इमोशनल डिटॉक्स और उसके अगले 7 दिन मेंटल डिटॉक्स। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ऐसे 3 भागों में यह विभाजित होता है। पर ज़रूरी नहीं ऐसा होगा ही, फिजिकल डिटॉक्स में फिजिकल सिम्टम्स, इमोशंस में इमोशंस, अनस्टेबल इमोशंस, कभी एंगर, कभी इरिटेबिलिटी, ये सब होगा। और थर्ड है मेंटल, मेंटल सबसे गहरा है, उसमें पुराने संस्कार, बचपन के संस्कार, बचपन के घाव, बचपन के वुंड, जो आहत हुआ था, वो सब कुछ बाहर निकलेगा। तो ये 3 हफ्तों में ये 3 चीज़ें होती है। और फिजिक एक होता है स्पिरिचुअल डिटॉक्स, उसमें ये तीनों ही इंक्लूड है अगर देखा जाए तो। तो 7 दिन पूरे हुए, तो 7 दिनों में कई लोगों को तीनों ही एक साथ हो गया, फिजिकल भी हुआ, किसी को मेंटल हुआ, किसी को इमोशनल हुआ। तो जो जो प्रश्न पूछे गए थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। किसी का जैसे कहा 85 किलो वजन है, तो सबसे पहला तो ये भट्टी इसलिए नहीं करनी है, ये आगे भी जाकर जिनको इसको लाइफस्टाइल बनाना है वो इसलिए नहीं बनाना है कि वजन घटाना है, और इसलिए भी नहीं कि वजन बढ़ाना है। ये वजन घटाने या बढ़ाने की भट्टी नहीं है, वो अपने आप होगा। हम अपने आप एक स्टेज पर पहुंचेंगे जहां हमारा वजन अपने आप स्टेबल हो जाएगा, एक ऐसी अवस्था जिसमें हम खाए या न खाए वेट स्टेबल, क्योंकि प्राणिक फ्लो, एक प्राणा हमारे अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। और हमारा शरीर भोजन से निर्मित नहीं हुआ है, तो भोजन इसका पोषण भी नहीं कर रहा है। वी डोंट नीड एनीथिंग, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। फूड हैज नॉट क्रिएटेड बॉडी, सो अवर बॉडी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फूड। वो अवस्था तक हम पहुंचेंगे। पर जैसे कोई नशे पीने वाले को नशे की आदत है, कई दारू पीने वाले को दारू की आदत है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की आदत है, इसलिए बीड़ी, दारू, सिगरेट, वो सब उसके शरीर की आवश्यकता हो गई है। उसी तरह ये भोजन भी हमारे शरीर की आवश्यकता हो गई है, बाकी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य है हाइएस्ट लेवल 4, हम ऐसी अवस्था में पहुंचे कि दिन रात योग में रह सके बिना ये सारे डिस्टर्बेंस के। और मुख्य रूप से 2 ही सबसे बड़े डिस्टर्बेंस है, सॉलिड फूड एंड सेक्स। यात्रा बस इन 2 से मुक्ति की है, ये दोनों की आवश्यकता नहीं। और साइंस कहता है काम विकार केवल नेचुरल नहीं है, पहला तो कहता है वो नेचुरल है, फिर कहता है वो आवश्यक है, और फिर तीसरा कहता है अनिवार्य है। ये 3 चीजें साइंस का दावा है। उसी तरह भोजन के विषय में भी साइंस कहता है बहुत जरूरी है, नहीं लोगे कि तो मर जाओगे, स्टार्वेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, कीटोसिस होगा एंड डेथ। परंतु ये यात्रा है धीरे धीरे इन दोनों से मुक्ति की। इन दोनों को इस तरह ढंग से हम छोड़ दे, इस ढंग से हमसे ये छूट जाए कि फिर ये हमें डिस्टर्ब ना करे। और चालू हमने सॉलिड फूड से किया है, क्योंकि सॉलिड फूड सभी दुखों का कारण है, सॉलिड फूड डिप्रेशन का कारण है, सॉलिड फूड संसार की 99% जो बीमारियां है उन सभी बीमारियों का कारण है, एलर्जीज का कारण है, स्किन की जितनी बीमारियां उन स्किन की बीमारियों का कारण है, जितनी बीमारियां विज्ञान कहता है हमें पता ही नहीं इसका कारण क्या है, रियल रीजन इज सॉलिड फूड। जैसे ही आप लिक्विडिटी की तरफ आओगे, जैसे ही शरीर सॉलिड से शिफ्ट होगा, तो सेल्स में एक फ्रीडम आएगा, एक लिक्विडिटी का अनुभव होगा। और धीरे धीरे 7 दिन में ही लोगों के ये अनुभव है, सोचो ये 7 दिन अगर 14 दिन बन जाए तो क्या होगा, ये 14 दिन अगर 21 दिन बन जाए तो क्या होगा, ये 21 दिन अगर 90 दिन बन जाए तो क्या होगा, कुछ भी आकर्षित नहीं करेगा। भाई अनुभव सुना रहा है, लिफ्ट से उतरता है तो सुगंध आती है, पहले यह सुगंध खींचती थी, ब्रेड की सुगंध जैसे अंदर गई ब्रेड खाने की इच्छा हुई, सैंडविच की सुगंध गई सैंडविच खाने की, सुगंध तो छोड़ो केवल विचार, केवल विचार वो खींच के लेके जाता है। ये अवस्था हमें उस स्वराज्य अधिकारी अवस्था तक ले जाएगी, ये स्थिति, ये भट्टी, कि धीरे धीरे ये यहां का कुछ भी हमें आकर्षित नहीं करेगा। और सॉलिड फूड और शरीर एक जैसे है, जो सॉलिड फूड से आकर्षित नहीं होता वो शरीर की तरफ भी आकर्षित नहीं होगा, अपने आप डिटैचमेंट आ जाएगा। दूसरों के शरीर का तो छोड़ो, हमें अपने ही शरीर से अटैचमेंट अपने आप ही चला जाएगा, तो दूसरों के शरीर क्या आकर्षित करेगा। तो वजन कई लोगों का ज्यादा है,
वो अपने आप कम होगा, जिनका कम है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अगर 1 किलो वजन बढ़ता है तो सोचना 1 किलो खुशी बढ़ गई, अगर 2 किलो वजन बढ़ गया मतलब 2 किलो खुशी बढ़ गई। उसके बाद में जिसके गाल पिचक गए, वो गाल पिचक गए धीरे धीरे गाल उभर कर बाहर भी आ जाएंगे। थोड़ा सा प्राणायाम का भी अभ्यास करो, ये गाल फुगाने वाले होते हैं ना कुछ कुछ एक्सरसाइज, ये वाले अभ्यास होते हैं जिससे गाल थोड़े बाहर निकल जाए। लोगों का, कई लोगों का शरीर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, कई लोगों का चेहरा छोटा होता है बाकी का शरीर बड़ा होता है, कई लोगों का बाकी का शरीर छोटा होता है मुख बड़ा होता है। ये जो मुख बड़े वाले हैं इनके लिए यात्रा बड़ा आसान है क्योंकि इनको लोग कोई नहीं करते कुछ, क्योंकि इनका क्या मुख वैसा के वैसा ही रहता है बड़ा, तो इनका पिचकता नहीं, और पिचकता नहीं इनका शरीर पिचकता है जो ऑलरेडी पिचका हुआ है। तो ये लोगों का वजन घट भी गया पर चेहरा घटता नहीं है, इसलिए लोग उनको, इनके लिए यात्रा आसान है। पर ये जो कैटेगरी है जिनका पहले से चेहरा छोटा है और शरीर बड़ा है, ये जैसे ही रॉ पर चले जाते हैं लिक्विड तो ये और थोड़ा कम हो जाता है, लोग तुरंत टोकते हैं क्या कर दिया क्या कर दिया। तो चलो वो जो भी है, परंतु यात्रा पर कायम रहना है बस। लिक्विड डाइट से यू कैन चेंज द शेप ऑफ योर बॉडी। एक बहन थी जिसका नाक ठीक नहीं था, तो उसने लिक्विड डाइट चालू किया और लिक्विड डाइट के साथ उसका नाक फिर वैसा हो गया जैसा वो चाहती थी, ठीक ठाक हो गया। और फिर जब ठीक हो गया तो उसने चला लेट मी गो बैक टू सॉलिड, फिर सॉलिड फूड पे आ गई, सॉलिड फूड पे आके नाक पहले जैसा हो गया, फिर फिर सोचा ये ठीक नहीं है मुझे वो वाला नाक चाहिए, फिर से उसने वो लिक्विड फूड पे आ गई, फिर नाक ठीक हो गई। पिनाकियो। तो हम अपने शक्ति से अपने शरीर को बदल सकते हैं। ये सफेद बाल है वो काले हो सकते हैं, दांत कई लोगों के 4 बार वापस आए, ऐसे भी उदाहरण है इतिहास में, कई लोगों ने अपने शरीर के स्ट्रक्चर को बदला, कुछ भी कर सकते हैं हम, मास्टर सर्वशक्तिवान है। जब भगवान कल की मुरली, योग से क्या क्या होगा, तुम हेल्दी होंगे और तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। अब ये क्या बोल दिया बाबा ने, खाने का तो खाने से बोला ही नहीं हेल्दी होंगे ना ही खाने से आयु बढ़ेगी ऐसा बोला है, खाने से तो आयु घटती है, खाने से तो आयु घटती है। टू लेंथन दाय लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू लेंथन योर लाइफ लेसन योर फूड, सबने कहा हुआ है इतिहास में, अगर ज्यादा जीना है तो भोजन कम कर दो। पीना हमारा बीच की अवस्था है, ट्रांजिशन अवस्था है, धीरे 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 हम दोनों से पार निकल जाएंगे। तो ये दोनों ही अवस्थाओं में हम अपने शरीर को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। जहां पेन है उस पेन को हम ठीक कर सकते हैं, एक ऐसी बीमारी शरीर में है जो डॉक्टर्स कहते हैं ठीक नहीं हो सकती, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं अगर वो इच्छा शक्ति है तो। तो कई लोगों का वेट लॉस है, क्यों ये कह रहे हैं कि 2 किलो वेट लॉस हुआ है, तो 2 किलो क्योंकि 3-4 दिनों से चेक ही नहीं किया है, इसलिए कहा कि रोज वेट चेक करना है टू बी ऑन द सेफर साइड। वैसे ये इनिशियल फेजेस में आवश्यक है, बाकी तो आगे आगे बढ़ने के बाद ना कैलोरी काउंट की आवश्यकता है ना वेट चेकिंग की आवश्यकता है, हमें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने आज 1000 कैलोरी ली, 600 कैलोरी ली, 700 कैलोरी ली और स्टेबल हूँ। बाकी इस प्रकृति में ना तो गाय अपना वेट चेक करती ना तो भैंस, पर ना हाथी, स्टेबल रहते वो लोग और वेट उनका ठीक ठाक रहता है। तो यहाँ पर शुरुआत के दिनों में करना है। फिर दूसरा, किसी ने अनुभव शेयर किया है कि सुबह 7:30 बजे से तो 6:30 बजे तक बिजी है स्कूल में, तो यहाँ पे अपनी प्लानिंग करनी है डाइट की, क्या क्या लेके जाना है, स्कूल का समय है, दिन भर बोलना पड़ता है, तो प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग के सिवा ये काम नहीं होगा। कईयों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे कहा कि उसमें ग्रीन जूसेस इंक्लूड करो, अपने आप कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। लौकी, खीरा, उसमें ये डाल दो, क्या कहते हैं, आंवला, आंवला जो है बहुत अच्छा है, रेचक है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और कई बार ग्रीन जूसेस में थोड़ा रेड मिला दो, टमाटर डाल दो उसमें, ग्रीन जूस में टमाटर डालते वो रेचक बन जाता है, सीधा पेट साफ पूरा के पूरा। तो पालक का जूस, पुदीना का जूस, पालक, पुदीना, मेथी, ये सारा जितना हरा है, धनिया,
जितने ग्रीन जूस है, अलग अलग प्रकार के ग्रीन जूस है, और वो जरूरी नहीं है ग्रीन जूस मर मर के या दुखी होके पियो, उसको अच्छा टेस्टी बना दो, थोड़ा उसमें चाट मसाला डाल दो या जो चाहिए वो डालो, कुछ भी डालो। तो ये जितने ग्रीन जूसेस है, ये क्या है, रेचक है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है, सुबह उठते ही सबसे पहले एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास ग्रीन जूस ले लो, तो अपने आप पेट क्लियर हो जाएगा। तो एक तो कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद में हमने ये कहा था कि आज का आठवां दिन है, तो जिनको नौ दिन में ये भट्टी पूरी करनी है वो आज बताएंगे, तो कल हम ये बताएंगे कि सॉलिड फूड पर वापस कैसे जाना है। क्योंकि सात आठ नौ दिन लिक्विड डाइट पर रहकर सॉलिड फूड पर जाने तुरंत नहीं जाना होता है, आराम से कैसे जाएंगे उसकी चर्चा कल होगी, आज नहीं। उसके बाद में कई लोगों का ये संकल्प है कि 21 दिन तक चलाना है, वो चला सकते हैं, और कई लोगों का पर लंबी प्लानिंग नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, मैं 5 साल के लिए लिक्विड डाइट करूंगा, ऐसी महाभयंकर प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आएगी, इसलिए अपने शरीर को देखते हुए प्लानिंग बनानी है। एक दिन की प्लानिंग, तीन दिन की प्लानिंग, सात दिन की प्लानिंग। सात दिन अगर लिक्विड डाइट पर निकाल लिए तो आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जो सात दिन कर सकता है वो 14 दिन भी कर सकता है, जो 14 दिन कर सकता है वो 21 दिन कर सकता है, और अगर 21 दिन एक बार कर लिया तो बहुत पावर आ जाएगी, फिर तो असंभव कुछ भी नहीं लगेगा। ये तो एक छोटी सी बात है, फिर बाकी चीजें असंभव नहीं लगेगी, कुछ भी कर सकते हैं। धीरे 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 स्टेमिना, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक तो ये, उसके बाद में कई लोगों ने अनुभव सुना है कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। वास्तव में योगासन, सतयुग में कोई योगासन करता है क्या? सतयुग में कोई जिम है क्या? सतयुग में कोई मैराथन दौड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। देवताओं को इन सब की आवश्यकता नहीं है, वो प्राकृतिक पर है, वो प्राण ऊर्जा पर जीते हैं वो लोग। भोजन उनके लिए ऑप्शनल है, वैकल्पिक, खाए तो खाए नहीं तो नहीं खाए, जरूरी नहीं है घंटी बजी लंच के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ, अरे नारायण बाद में करना, कम फास्ट, ऐसा सब नहीं है उधर, वो ऑप्शनल है। भोजन रेडी है नहीं है हमारा, हम लोग खाते इसलिए कि भोजन वेस्ट ना जाए, वो ये सब चीज़ें हमारे हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, वहाँ पर फ्रीडम है। और वहाँ पर शरीर इतना शुद्ध है, जितना शरीर शुद्ध होगा उसे भूख नहीं लगेगी। और जो कहते हैं हमें भूख लगती है, भूख लगती है, भूख लगती है, ये डिटॉक्स है, मतलब शरीर में विष द्रव्य है, जितने ज्यादा टॉक्सिन शरीर में भरे हैं उतनी ज्यादा भूख। और जब शरीर स्वच्छ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसको भूख ही नहीं है, क्योंकि प्राण, प्राणिक फ्लो है एस्टैब्लिश्ड, प्राणा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है प्राणा सिस्टम में, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू सर्वाइव ऑन प्राणा अलोन, आराम से। इसलिए अभी शुरुआत में कहा ड्राई फास्ट नहीं करना है, ना ही वाटर फास्ट करना है, धीरे धीरे ये अवस्थाएं स्वतः आएगी। हमको लिक्विड के साथ प्ले कर रहे, एक दिन लिक्विड थिन, थिक और थिक ऐसा ले रहे, स्मूदी ले रहे, सूप ले रहे, थिन ले रहे, फिर कभी लिक्विड के साथ प्ले करते करते ऐसा लगेगा खेलते खेलते कि आज सारे दिन भर वाटर रखूं तो आराम से कर सकेंगे, वजन सेम, फिर कभी लगेगा आज सारे दिन केवल नींबू पानी तो आराम से कर सकेंगे, फिर कभी लगेगा आज केवल संतरा जूस, और फिर कभी लगेगा आज कुछ नहीं करना है, आज कुछ करना ही नहीं। हमें अपना अनुभव याद है, हमें एक बार नीचे क्लास कराने जाना था डायमंड हॉल में, तो हमने सोचा कुछ नहीं लेना है, देखते हैं क्या अनुभव होता है। 48 आवर्स कुछ भी नहीं लिया, शाम को क्लास थी, क्लास में बैठे और सामने शरीर दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल चमकती हुई ज्योतिया, शरीर में इधर कुछ है ही नहीं, नो फूड नो वाटर, निर्जला, केवल ज्योतिया बस। तो जब महान कार्य करने होते हैं उस समय तो जो महापुरुष संसार में हुए हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि फूड इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, वो ब्लॉक कर देता है आपकी ऊर्जा को, चेतना को, ये सब चीजों को। A.R. रहमान ने लिखा हुआ है, व्हेन आई हैव टू कंपोज अ सॉन्ग, जब मुझे गीत बनाना होता है एकांत में चला जाता हूं। कई सारे फिल्म मेकर लिखते हैं कि जब फिल्म की मूवी की स्क्रिप्ट लिखनी होती है, बनानी होती है, दूसरे देश में चले जाते हैं जहां टाइम जोन अलग होता है, और एकदम बंद कर देते हैं अपने आप को, वेटर को, सबको कहते हैं रेस्टोरेंट में कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि फूड लेते ही ऊर्जा कम हो जाती है, खाते ही क्रिएटिविटी कम हो जाती है, ये फूड ऑब्स्ट्रकल है, अलग उसको हटाना होता है। और जब ऐसे काम करने होते हैं एकदम लाइट पर चले जाना है, और जो एकदम ड्राई, और ये अवस्थाएं आएगी कि जब चाहे ड्राई चले जाओ, जब चाहे वाटर चले जाओ। एक भाई है वो 6 मास खाली कोकोनट वाटर पर था, 6 मास नारियल पानी, साउथ में, पर इधर वाला नहीं, बड़े साउथ के जो
नारियल होते ना बड़े बड़े होते, उसको पूछा अनुभव क्या था, वो कहता था फरिश्ता, फरिश्ता स्थिति, कंटिन्यूअस फरिश्ता स्थिति थी, एक मूवमेंट में भी देहभान नहीं, ऐसी स्थिति। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी लिक्विड डाइट से, फ्लूडिटी आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, रिजिडिटी जो है वो सॉलिडिटी जो है वो किसके वजह से, सॉलिड डाइट के वजह से, इसलिए योगासन करना पड़ता है, इसलिए झुकता नहीं, ये सब कितना बुढ़ापे में देखिए लोग कैसे हो जाते, ऐसी लकड़ी लेके नीचे नीचे चलते हैं, क्यों, सॉलिड फूड खाया है जीवन भर, इसलिए ऐसे झुक जाते। नेक्स्ट, एंथुजियाज्म बढ़ जाएगा, लाइट बढ़ जाए, लाइट का अनुभव ज्यादा होगा। फिर किसी ने और अनुभव लिखा है, पेट में डांस होता है पेट में डांस होता है, माता कह रही ना पेट में डांस होता होगा ही, लिक्विड में भी अगर कॉम्बिनेशन गलत है तो डांस होगा, बहुत ही ज्यादा ले लिया, सीधा 2 लीटर पी लिया कुछ तो गड़बड़ होगी, या फिर अभी अभी सूप लिया और सूप के बाद सीधा कोई जूस ले लिया और जूस के बाद फिर और कुछ ले लिया, उल्टा पुल्टा की लिया सारा, या कॉफी ली और कॉफी के बाद ग्रीन जूस लिया, कुछ भी ले लिया उल्टा पुल्टा। इसलिए एक बात याद रखना है, थोड़ी गैप रखनी है, कुछ भी पीने के बाद क्या करना है, कीप अ गैप। अगर आपको इतना बॉटल है पीना, जैसे हम क्या करते हैं ओपीडी में बॉटल लेके जाते हैं, राउंड से पहले एक ग्लास पी लेते हैं, आधी बॉटल वहीं से रख देते हैं, राउंड होते होते 12:30 या 1 बज जाता है, तो आने के बाद एक हाफ प्लस हाफ हाफ, तो 2 भागों में विभाजित कर देते। इसलिए सूप भी जरूरी नहीं है इतना बड़ा बनाया है तो सब एक साथ पीना ही है ये चिंता सबसे ज्यादा होती है, खराब नहीं होना चाहिए, गर्म चाहिए, डिवाइड टुकड़े कर दो उसको, अभी ले लिया अभी थोड़ी देर के बाद ले लेना एक, उसके बाद में नींद योग फटीक नहीं है, अमृत वेला बहुत अच्छा हो रहा है, शोल्डर पेन किसी का चला गया, उसके बाद में इमोशनल, हाँ डेथ ऑफ हस्बैंड, जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है, किसी के युगल की मृत्यु हुई है या कोई और ऐसी दर्दनाक घटना जीवन में हुई है अतीत में, तो इस भट्टी में वो सारी यादें उभर कर बाहर निकलेगी, क्योंकि हमने अब तक क्या किया था, ये सारी यादें थी पर भोजन ने उसको ढक रखा था, भोजन हट गया अब, सॉलिड फूड हट गया, हटते ही वो सारी दर्दनाक यादें बाहर आएगी, हमारा अपने आप से परिचय होगा। हम सोचते ऊपर से हम मैं खुश हूं, कहां खुश है, अंदर दुख है, मैं ब्रह्मचारी हूं, अंदर काम विकार भरा पड़ा है, अपने आप कहा ना ड्रीम्स, सेक्सुअल ड्रीम्स, कुमार स्पेशली ये सब होगा, ऊपर से तो बहुत अच्छा है, स्वमान मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पर अंदर डर है, एक एक काम वासना अंदर छिपी हुई है। इसलिए कुमारों के लिए 3 नियम, रूल नंबर 1 एकांत का त्याग, रूल नंबर 2 अंधेरे का त्याग, रूल नंबर 3 अति परिचय का त्याग। कुमारों के लिए यदि इस कामुक स्वप्नों से मुक्त होना है तो ये 3 नियम, एकांत का त्याग अर्थात जैसे ही व्यक्ति एकांत में जाता है कामुक संकल्प आते हैं, इसलिए जितना हो सके सेवा में रहो, अच्छे संग में रहो, सत्संग में रहो, पुस्तकों के संग में रहो, खाली एकांत में बैठ के रहोगे तो कामुक विचार आएंगे, सेक्सुअल फैंटसीज 1। दूसरा है अंधकार, अंधेरे में चले जाते हैं तो शरीर का आकर्षण खींचता है, और तीसरा अति परिचय, किसी से एक होता है फैमिलियरिटी, एक होता है परिचय, एक है अति परिचय। इसके लिए योगियों के लिए साधुओं के लिए ये नियम है, वो किसी से ज्यादा परिचय नहीं रखते, एक बार बात करेंगे 2 बार बात करें, टू मच फैमिलियरिटी विल वो स्टिमुलेट करेगा डिजायर्स को। तो ये 3 बातें बताई, उसके बाद किसी ने 99 kg वेट बताया, इमोशनल डिटॉक्स हो रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, फटीग हो रहे हैं, ये सब होगा, उसको साक्षी होकर देखते रहना है। फिर उसके बाद में किसी ने अनुभव बताया कि आउट ऑफ स्टेशन है फिर भी ये किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस यात्रा के लिए स्टेबिलिटी, एक स्थान पर रहना, अपने घर में रहना बहुत आसान है, जैसे ही आप ट्रैवल करते हो किसी दूसरे देश में, दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर जाते हो तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं मिलेगा वहां, परंतु इनकी कमाल है आउट ऑफ स्टेशन रहते हुए भी किया, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए उतनी संकल्प शक्ति चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए, हाँ इन्होंने भी किया आउट ऑफ स्टेशन रहते हुए, और ज्यादा से ज्यादा स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सबसे जब गुजरते हैं ना तो ये सब टूटने का बहुत ज्यादा संभावना होती है,
क्योंकि सुगंध अंदर घुसती है, साइट ऑफ फूड वो याद दिलाता है पुराना, वो चीजें देखते ही पुरानी यादें ताजी हो जाती है। तो ये जिन्होंने बाहर घूमते हुए कर लिया वो विजयी। फिर उसके बाद में हार्ट स्टूल्स, तो उसके लिए बता दिया है ग्रीन जूस लो, त्रिफला लो या और कुछ लो, और हार्ट स्टूल है भी तो अपने आप वो चली जाएगी, लिक्विड के इंटेक्स बढ़ा दो। उसके बाद में करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है। उसके बाद में ये बीच में अगर सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो गया, मेथड वन, अपने आप चला जाएगा, पर नहीं जा रहा है और तकलीफ हो रही है तो फिर दवाई ले लो। और मेडिकल फील्ड में ऐसी कहावत है, यदि आपको सर्दी खांसी वगैरह है, URTI जिसको कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस लैरेंजाइटिस, तो उसको ठीक होने के लिए अगर दवाई लेते हो तो एक हफ्ता लगेगा, और दवाई नहीं लेते हो तो 7 दिन लगेंगे। दिस इज द कहावत। कहावत क्या है? अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, अगर नहीं लोगे तो एक हफ्ता तो लगेगा। अब आपके ऊपर है लो या ना लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वायरल। पर क्या होता है, एक सर्दी खांसी भी आदमी को इतना नीचे डाउन कर देती है, पूरा बदन दर्द होता है, छींके चलती है, नॉन स्टॉप खांसी चलती है, एकदम हिम्मत चली जाती है। फिर कहां लिक्विड डाइट और कहां जो आया है खाओ, कहां सोचता, हिम्मत ही कम हो जाती है। इसलिए दवाई ले लो, ले लो और छोड़ो। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स लेना है। उसके बाद में फ्रैग्रेंस, धीरे धीरे वो अवस्था आएगी कि कुछ भी फ्रैग्रेंस हो हमें अट्रैक्ट नहीं करेगा, कुछ भी हो, कितना भी ज्यादा हो, कितनी भी सारी सुगंध हो, सारा पंच पकवान 56 प्रकार के भोग रखे हुए परंतु कुछ भी नहीं, जंक फूड है ऐसा लगेगा सब। नेक्स्ट, उसके बाद में शाम को भूख लगती है तो इसकी विधि क्या है, दिन भर थोड़ा इंटेक बढ़ा दो तो वो शाम को नहीं होगा, इसलिए गैप नहीं दो बहुत लंबा, 6 घंटे का गैप, 10 घंटे का गैप नहीं देना है। उसके बाद में ये रात में आवाजें आती है इनको नींद में, नहीं ये खुद करती है। देयर इज समथिंग नोन एज, कई लोगों को स्नोरिंग करते, एक कंडीशन होती है, इन्होंने अपना वजन नहीं बताया, नहीं तो OSA करके एक बीमारी है मेडिकल में, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वो बीमारी है जो मोटे लोगों को होती है, और जो थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं रात में वो खर्राटे लेते हैं जोर जोर से, इतना जोर जोर से लेते हैं कि जो बाजू वाले कमरे वाले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरों को है। तो इसके लिए नेजल क्लिप्स आती है, ये नोज में बहुत सॉफ्ट वाली क्लिप्स आती है, वो लगा दो यहाँ पर, तो वो आवाज़ नहीं आएगी, मतलब दूसरों के लिए सेवा, निस्वार्थ सेवा, खुद को तो कुछ तकलीफ ही नहीं है, वो तो चिल्लाओ जो भी करो। एक तो ये नेजल क्लिप्स आती है, उसको स्नोरिंग क्लिप्स कहते हैं, वो यहाँ लगा सकते हैं आप, छोटी सी आती है, अच्छा से एकदम मुलायम, यहाँ लगा दो, आवाज़ बंद, और ऑनलाइन अवेलेबल है, गो टू Amazon एंड गेट ऑल दोस। तो ये तो एक क्लिप्स। दूसरा OSA अगर है तो डॉक्टर से मिलो, फिर वजन कितना है वो देखो, और कई बार इस OSA में CPAP मशीन होती है, वो CPAP मशीन लगाते हैं फिर, नहीं तो एक तो वो। अगला, कई बार ये इमोशनल हो सकता है, कई बार ये इमोशनल हो सकता है कि मन में बहुत सप्रेशन हुआ है बचपन का, इसीलिए वो सप्रेशन की वजह से ये सब आवाजें निकल रही है, दमन हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट से मिलो या साइकोलॉजिस्ट से मिलो या स्पिरिचुअल काउंसिलर से मिलो, और वो अपने अंदर जो अंदर है दबा हुआ वो सब उल्टी करके बाहर निकालो। बचपन के कुछ ट्रॉमाज है, सेक्सुअल असॉल्ट है, कुछ तो है जो अंदर भरा पड़ा है, जिसके वजह से ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ बातें करते रहता है। हो सके तो एक CT scan करा लो, हो सकते कोई ब्रेन की बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट इन्वेस्टिगेट। उसके बाद में किसने पूछा है ये चीटिंग तो नहीं है, चीटिंग तो है, ईटिंग इज चीटिंग। ये खिचड़ी वगैरह जो है ना, वो हमने शुरुआत में कहा था, आज की मुरली में भी कहा है, पहले ही थोड़ी ना सब सुनाया जाता है। ICS का ICS में क्या पढ़ाई की जाती है, ये ICS में जाओ तब बताया जाएगा, आज साकार मुरली। तो ये बहन ने पूछा है, आपने पहले तो कहा था कि ये चलता है और फिर अभी कहते हो चीटिंग है, तो बाबा भी तो ऐसे ही करते। तो ये शुरुआत में ठीक है, पर अभी धीरे धीरे आप लिक्विड ही तैयार करो, ऐसा नहीं कि सैंडविच बना दिया फिर उसको मिक्सी में डाल के उसका जूस बना रहे। ये लोगों का चालू है अभी भी, पानीपुरी पानीपुरी का जूस, रोटी का जूस, हाँ चिमन
पनीर को ग्राइंड कर रहे हैं, मटर पनीर को ग्राइंड करके लिक्विड बना के चिबाना नहीं है, ये नहीं करना है, लिक्विड ही बनाना है उसको। हमारी यात्रा धीरे धीरे थिन 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 की तरफ लेके जाएगी हमको। अपना हमको अपना एक बैलेंस ढूंढना है कि मुझे सॉलिड फूड की आवश्यकता नहीं। सॉलिड फूड में अनेकता है, द्वंद है, लिक्विड फूड एक ही है, वो एडिक्शन ही हट जाता है हमारा। हमारा एक सॉलिड फूड खाओ तो उसमें जिलेबी है, तो जिलेबी को अगर जिलेबी के प्रति आकर्षण हो जाता है। यहाँ क्या ऐसा जिलेबी कुछ है ही नहीं, लिक्विड है, चाहे सूप है वो लिक्विड है, नारियल पानी वो भी लिक्विड, सब लिक्विड ही लिक्विड है, खाली टेस्ट बदल रही है, फ्लेवर बदल रहा है, टेक्सचर बदल रहा है। तो वी आर ईटिंग फॉर एंजॉयमेंट नॉट फॉर नीड। अपने मन को क्या बताना है, ये मैं किस लिए खा रहा हूं, एंजॉय के लिए। ब्राह्मण जीवन है, मौजों का जीवन है। दूसरा और एक संकल्प, ये जो मेरा सूप है या लिक्विड है या जूस है, ये क्या है, शुभी रस है एक। दूसरा ये सोम रस है। ये दो संकल्प लाओ, सोमनाथ का दिया हुआ सोम रस, अमृत है ये, मैं अमृत पी रहा हूं, इससे मैं अमर हो जाऊंगा, सारी मेरी बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये संकल्प करते करते पियो। खाने का तो सवाल ही नहीं है, अभी खाने की दुनिया छोड़ दी है, पीने की दुनिया में क्या पीऊं क्या पीऊं क्या पीऊं। और लास्ट में गाल पिचक गए, तो गाल पिचक गए, गालों की भी एक्सरसाइज आती है। आप देखो जरा, नेट पे जाओ, विकिपीडिया में या उसमें आपको एक्सरसाइजेस मिलेगी जिससे यू कैन मेक योर गाल चबी। शंख फूको और थोड़ा सा तेल तेल यूज करो, तेल या घी एक चम्मच ऊपर से डाल दो, ऊपर से तो वो अपने आप बढ़ेंगे। तो ये इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, इस तरह के संकल्पों की, ये प्रॉब्लम्स की। इनको क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी बताया हुआ है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें स्विमिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हेल्प करती है। और मुस्कुराते रहो, सबसे बेस्ट मेथड तो वही है गाल को बाहर लाने की, हंसते रहो मुस्कुराते रहो बस, मधुर बस, हारना नहीं है, घुटने नहीं टेकना है, सॉलिड फूड के आगे घुटने टेकने नहीं है। हाँ ग्राइंड वो चलो, पर इमली हाँ हाँ ले सकते हैं। घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल, घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कर, तू निकल माटी ने तेरा तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी आंखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव गगन कहे विजयी भव। तो आज लिक्विड डाइट का 8वां दिन, विजयी बनकर ही निकलना। ऑप्शन